that this House, having taken the serious note of the gross, deliberate and repeated misconduct of Shri Adhiranjan Chowdhury in utter disregard to the House and the authority of Chair, resolve that the matter of the misconduct of Shri Adhiranjan Chowdhury be referred to Committee of Privileges of the House for the further investigation and report to the House, and Shri Adhiranjan Chowdhury be suspended from the service of the House till the Committee of the Privilege submit its report. धन्यवाद सर. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 11 अगस्त 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. तो अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री मोदी के जवाब के बाद वॉइस वोट से इस अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान कराया गया और अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया. और उसके बाद जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा. उनके द्वारा जो कथन हुए, उनके व्यवहार को लेकर उनका मामला विशेषाधिकार समिति को भेजने को लेकर प्रस्ताव हुआ. और यह कहा गया कि जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक उनको सदन से निलंबित कर दिया जाए. वो प्रस्ताव पास हो गया. यानी अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस पार्टी के नेता लोकसभा में, उन्हें अब लोकसभा से निलंबित कर दिया गया है जब तक विशेषाधिकार समिति इस पर फैसला नहीं करती है. तो ये उनका जो भी बर्ताव रहा संसद के अंदर उसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर की है सदन ने. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.